हेलो फ्रेंड्स, आज मैं चना दाल की बड़ी बनाने वाली हूं जो कि बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इसमें सारी ट्रिक एंड टिप्स शेयर करूंगी। हमारे यहां गर्मी के सीज़न में हर घर पे चना दाल की बड़ी बनाई जाती है और इसको आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। इस चना दाल की बड़ी को इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए, इसे बनाने के लिए हमने चना दाल को 7 से 8 घंटे पानी में भिगो कर रख दिया है। ये अच्छे से भीग जाएगी, उसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल लेंगे और इस चना दाल को 3 से 4 बार अच्छे से साफ पानी से धो लेंगे। तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है पूरा निकाल लिया है और इसको हम अच्छे से पीसते हैं मिक्सर जार में। हमारे यहाँ पुराने ज़माने पे सिलबट्टे में पीसते थे, लेकिन आप इसको अच्छा बढ़िया फाइन पेस्ट बना सकते हैं। और इसको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आवश्यकता अनुसार ही थोड़ा थोड़ा पानी डालना है पीसने के लिए। और ये हमने हींग ले लिया है, खड़ी हींग, और इसको पाउडर फॉर्म में कर दिया है। यदि आपके पास पीसी हुई हींग है तो उसको पानी में भिगोकर रख दें ताकि अच्छे से ये घुल जाएगी। चना दाल को अच्छे से पीस लिए हैं, जैसे मिक्सर जार में जब पीसें तो इसको थोड़ा सा पानी आवश्यकता अनुसार ही पानी डाल डालकर पीसना है, ज़बरदस्ती ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और इसको अच्छे से फेंटना है, लगभग 10 से 15 मिनट इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा आप इसको फेंटेंगे उतनी अच्छी आपकी बड़ी सॉफ्ट बनेगी, जब भी आप बड़ी की सब्जी बनाएंगे तो इसकी मेन ट्रिक यही है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में एंड तक आगे बने रहें, सारी ट्रिक एंड टिप्स बताऊंगी। इसको चेक करने के लिए पानी में आप थोड़ी सा पेस्ट डालकर देखें, यदि ये ऊपर तरफ तैर रही है तो यानी कि आपकी ये परफेक्ट फिटी है। यदि अच्छे से नहीं फिटेगी दाल तो वो पानी में डूब जाती है तुरंत, जैसे आप दाल डालेंगे चेक करने के लिए। तो इसमें हम 2 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। जीरा को आप तवे में हल्का रोस्ट कर लें, उसके बाद इसका पाउडर बना सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून हमने भुना जीरा पाउडर डाल दिया है। भून कर जीरा पाउडर इसमें डालते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो और इसको अच्छे से फेंटते जाते हैं, जितना ही अच्छा आप इसको फेंटेंगे उतना ही अच्छा हमारी बड़ी बनकर तैयार होंगी। और 1.5 टेबल स्पून हमने ये मेथी पाउडर लिया है। मेथी को भी हल्का सा तवे में रोस्ट कर लिया था और उसके बाद इसका पाउडर बना लिया है, तो मेथी पाउडर डाल दिया। और ये हींग है, जो हींग भी अच्छे से पानी में घुल गई है तो इसमें डाल देते हैं। और सारे मसाले मिलाते हुए इसको अच्छे से फेंटते जाते हैं। आवश्यकता अनुसार इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। जब ये बड़ी सूख जाती है उसके बाद तो ये जितना हम मिर्च डाल रहे हैं वो बाद में उतना तीखा ही नहीं लगेगा। तो अच्छे से हमने इसको फेंट लिया है। ये मेरी भाभी बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत ही अच्छा बनाती है, तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। और इस समय गर्मी के सीज़न में हर घर में बड़ी, पापड़, भिजौरे बनाए जाते हैं। आगे भी मैं मूँग दाल की बड़ी का वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसको बरी देने के लिए हमारे यहाँ पुराने समय पे दादी नानी के समय ये प्रचलन था कि छेवला के पत्ते, छेवला का पेड़ होता है हमारे यहाँ, उसमें हमारे यहाँ जैसे शादी वगैरह होती है तो उसमें खाना भी परोसते हैं, इसकी पत्तल बनाई जाती हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ जालीदार जाली रहती, जाली के ऊपर या खटिया, उसके ऊपर ऐसे पत्ते बिछा देते हैं और पत्ते के ऊपर हमारे यहाँ ऐसे बरी देते हैं। यदि आप शहर में हैं, ये पत्ते तो मिल नहीं पाते, तो शहर में आप करें क्या, कपड़े में इसकी बरी नहीं देनी है। बरी देने के लिए आप प्लास्टिक की जो सीट रहती है, पोस्टर वगैरह रहते हैं प्लास्टिक के जिसमें पापड़ वगैरह देते हैं, तो उसमें आप बरी दे सकते हैं। क्योंकि इसकी मेन ट्रिक यह है कि जब आप बरी दें तो बरी का जो पानी है, जैसे कॉटन या कपड़े में आप बरी देंगे तो उसका पूरा पानी निकल जाएगा और उसका वो टेस्ट नहीं आएगा, ओरिजिनल टेस्ट जो बरी का रहता है। तो ये देखिए, आप इस तरीके से प्लास्टिक की सीट, ये वाइट कलर की सीट, उसमें हमने बरी दी है। इस तरीके से आप डाल सकते हैं। और जब भी आप बरी दें तो थोड़ा थोड़ा हाथ में पानी लगाते जाएं, आप देखेंगे कि 7 से 8 घंटे में ये बरी सूख कर रेडी हो जाएंगी। धूप में हम इसमें को डाल देते हैं और फिर इसको हम निकाल लेते हैं। ये पत्ते का कलर नहीं चढ़ता है। हमारे यहाँ पुराने समय पे पत्तल का वो प्रचलन था कि खाना जैसे शादी या कुछ भी होता था तो पत्तल में खाना देते थे, तो अब तो वो प्रथा चली गई। तो इस तरीके से इसका कलर भी नहीं लगता है, छोला के पत्ते का कलर नहीं चढ़ता है बड़ी में। तो ये बड़ी हमारी एक साइड पूरी अच्छे से सूख गई है, तो इसको हम निकाल लेते हैं ताकि दूसरे साइड भी धूप लग जाएगी। तो ये देखिए, हमारे घर की पूरी जो चिल्लर पार्टी है, सभी बड़ी निकाल रहे हैं। इस बड़ी को 1 से 2 दिन धूप में सुखा लेंगे और इसको साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। जल्द ही मैं इसका वीडियो शेयर करूंगी। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।